जय हिंद ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ज्योति सेन है। कल मेरा BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का PST था, जो मैंने क्लियर कर लिया है। उसमें होने वाले सभी प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड सब लेकर जाना है, और टाइमिंग दी है 6 बजे। ज़रूरी नहीं है कि 6 बजे ही जाए, 9 बजे तक जा सकते हैं, सर्दी पड़ रही है। इसलिए सबसे पहले आपको उसमें आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड एंट्री हो जाएगी उससे। एंट्री होने के बाद आपको TST के लिए बिठाला जाएगा। फिर कुछ देर बाद आपकी एंट्री होगी, उसमें सिग्नेचर होंगे, सब कुछ होगा। फिर आपको आपके रोल नंबर से बिठाला जाएगा, सीरियल नंबर से। हमारी एंट्री हो चुकी है और अब हम सब लोग बैठ चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे TST की मतलब हाइट और वेट के लिए लाइन लगी हुई थी। इसमें एक एक करके रोल नंबर से सभी लड़कियों को बुलाया जा रहा था, और उनके रोल नंबर के हिसाब से सभी को एक एक करके उनकी हाइट और वेट नाप रहे थे। हमारा साइंस सेंटर टेकनपुर था, उसमें कम से कम लगभग 500 गर्ल्स थी। उसमें से 60-70 लड़कियों को हाइट से बाहर निकाल दिया गया था, उनकी हाइट कम थी। फिर उसके बाद हमारा हाइट के बाद डॉक्यूमेंट चेक हुआ। चेक होने के बाद डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद हम सभी लड़कियों को एक जगह बिठा दिया गया, और जो लड़कियां रिजेक्ट हो चुकी थी उन लड़कियों को रिजेक्शन स्लिप दे के उनको बाहर निकाल दिया गया। फिर सभी लड़कियों को एक लाइन में बिठा कर उनकी पहले काउंटिंग की गई, कितनी गर्ल्स आई हैं, कितनी गर्ल्स नहीं आई। काउंटिंग करने के बाद उन सभी लड़कियों को बोल दिया गया कि आप सब कुछ में पास हो चुके हो, और जो लड़कियां मतलब कि उनका कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि उनकी सेंट्रल की आईडी, सेंट्रल का कास्ट के जाति प्रमाण पत्र नहीं था, और प्रॉब्लम 10th क्लास की इसमें प्रॉब्लम थी, तो उनसे बोल दिया गया कि आप मंडे तक सबमिट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आई, सब कुछ कागज़ वगैरह आप मंडे तक जमा करवा सकते हैं, और सभी को पास कर दिया गया था। बस 50 से 60 के लगभग उन कुछ लड़कियों का हाइट में निकाल दिया गया था।